हाय, गोदावरी किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करपारा। शक्करपारा के लिए एक पाव मैदा लिया है और एक कटोरी सूजी है, जो इसमें कुरकुरापन आता है इसको मिक्सी में पीस लिया है, और एक कटोरी फल्ली है। फल्ली को पहले भूंजे, सिलका उतारे और उसका बाहर निकाल दे सिलका को, फिर उसको मिक्सी में पीस के ये स्वाद बढ़ाता है। और आधी कटोरी नारियल चूरा, इसको भी हम मिक्सी में पीस लिया है ताकि हमें आटा गूंथने में और बनाने में आसानी जाता है। और एक चौथाई तिल लिया है जिसमें देखने में अच्छा लगता है और स्वाद भी बढ़ता है। और इसके लिए हम मीठा के लिए दो कटोरी शक्कर लिया है जो मिक्सी में हमने पीस लिया है। इसको एक बार अच्छे से मिला देते हैं पहले। और एक आधा चम्मच इलायची पाउडर ले रहे हैं जो खुशबू के लिए अच्छा होता है। और इसमें हम पौन कटोरी तेल है जो इसको मोयन के लिए डाल रहे हैं, जिसमें कुरकुरा बनता है और अच्छा होता है। आ रहा है, मतलब इसका मोयन ठीक है। अब इसमें हम दूध डाल के आटा गूंथेंगे। इसको कड़ा ही गूंथेंगे हम, क्योंकि शक्कर डल आ रहा है, इससे थोड़ा गीला होगा, इसलिए इसका आटा हम कड़ा ही रखेंगे। हमारा आटा हो गया है, या इसका हम पहले दो भागों में बांट लेते हैं, फिर इसको बराबर बराबर करके कर देते हैं। इसको हमें पांच ठो लोई बना लिए हैं। इसको हम बेलेंगे। बेलते समय ध्यान रखना है ना पतला हो ना मोटा हो। पतला होने से फट जाता है तेल में जाने के बाद, और मोटा रहने से पकता नहीं है, इसलिए नॉर्मल देखो ऐसा बेलना है, क्योंकि ये मीठा वाला है, मीठा वालों को थोड़ा सा मोटा ही बेलना पड़ता है। इसको हम चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। इसको जैसा मन चाहे आप कट कर सकते हो। एक एक करके निकाल लेते हैं। ऐसे बेलने के बाद, कट करने के बाद एक एक साइज से निकालते जाना है, नहीं तो एक एक निकालने में टाइम लगता है, इसलिए मैं ऐसा ही निकालती हूँ।
हम तेल गरम कर लेते हैं तलने के लिए। हमारा तेल गरम हो गया है, अब एक-एक करके डालेंगे इसमें। और आंच थोड़ा सीम रखना है। हमारा शक्कर पारा अच्छा से ब्राउन हो गया है, इसको निकाल देते हैं और धीरे धीरे चम्मच से चलाइएगा, क्योंकि मीठा है, सावधानी से निकालिएगा। हम बाकी भी अब डाल देते हैं एक एक से। आराम से पकाइएगा इसको, हड़बड़ी की जरूरत नहीं, और बार बार चम्मच भी मत चलाइएगा। छोटा चम्मच से पलटिएगा। हमारा शक्कर पारा बन के तैयार हो गया है। ये हमेशा त्योहारों में बनाया जाता है, और कुछ चीज़ सावधानी रखने की है, जैसे आटा गूंथते समय पानी नहीं कम डालना है, टाइट आटा गूंथना है, और बेलते समय मोटा ही रखना है, और तेल में डाले तो बार बार चम्मच नहीं चलाना है, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इसको बनाइए और खाइए, और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।